गाइज, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। होप यू आर डूइंग ग्रेट। गाइज, आज ना मैं यहाँ पे बैठी हुई थी, सो मैंने ना एक प्रोडक्ट यूज़ करना शुरू किया है और वो मैंने कल से ही स्टार्ट किया है। और मैंने ये चैलेंज लिया है कि मैं कंटिन्यूसली उसको 15 डेज अपनी आंखों पे लगाऊंगी। जैसा कि आप देख सकते हैं, मेरी आंखों के नीचे काफ़ी ज़्यादा डार्कनेस आ चुका है और इसको डार्क सर्कल ही बोलते हैं। और मुझे ना हमेशा ये प्रॉब्लम होते रहती है, मतलब मेरा ऐसा है ना कि डार्क सर्कल आते जाते रहते हैं। तो मैंने काफ़ी सारे प्रोडक्ट पहले भी यूज़ किया है, बट इस बार मैंने कोई नया प्रोडक्ट अपने जो है डार्क सर्कल के लिए लिया है, और वो है ये विश केयर ब्रांड का अंडर आई डार्क सर्कल क्रीम। और इस तरह के बॉटल में ही मुझे मिला है और मैंने इसको खुद के पैसे से बाय किया है, कोई मुझे ब्रांड ने नहीं दिया है। तो मैंने इसको लगाना शुरू किया है, तो कल था डे फर्स्ट, तो मैंने कोई सूट वूट नहीं किया, बट आज से मैंने सोचा क्यों ना मैं इसका डेली मैं लगाऊं एंड डेली आपको फ़र्क दिखाऊं। तो एक दिन में तो कोई फ़र्क पड़ता नहीं है, जैसा कि आप देख सकते हैं इस साइड पे लाइट पड़ रहा है तो पता नहीं चल रहा है, बट इस साइड पे आप देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा मेरा आँख ऐसा लग रहा है किसी ने वो तो नहीं किया किसी ने, बट बहुत ज़्यादा मुझे डार्कनेस हो गया है और मैं बस अब बहुत ज़्यादा सीरियस हो गई हूँ। ये जो है मेरे पास लगभग 2 मंथ से पड़ा हुआ था, बट ये चीज़ होता है मैं एक दिन लगाती थी, फिर एक दिन बीच, एक दिन, दो दिन, चार दिन करके गैप कर देती थी। बट इस बार मैंने सोचा कि नहीं, अब मुझे कंटिन्यूसली इसको लगाना ही लगाना है और यही चीज़ मुझे बस अप्लाई करना, तो मैंने सोचा इसको चैलेंज की तरह लूँ और बस आपके सामने अभी मैं जा रही हूँ उसको लगाने। तो इसको लगाना कैसे होता है वो मैं आपको पहले बता दे रही हूँ। तो पहले इसकी मैं आपको कंसिस्टेंसी दिखा दे रही हूँ। ये इस तरह के पंप बॉटल में आती है एंड इसकी जो कंसिस्टेंसी है जस्ट लाइक क्रीम है, जैसे कि आप देख सकते हैं। तो इसको आपको ऐसे ऐसे और ऐसे लगाना होता है। एंड आपकी जो फिंगर रिंग है उससे आपको करना होता है, तो आपको बस इस तरह से करना है एंड थोड़ा सा आपको जो है यहाँ पे मसाज देने की ज़रूरत होती है, तो इस तरह से आपको करना होता है। और ये दोनों आपको इस तरह से सर्कुलर मोशन में जो है करना पड़ता है, और ये कम से कम जब तक आपका ये पूरी तरीके से ड्राई ना हो जाए तब तक आपको करना होता है, और ऐसा करने से आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। तो मैंने काफ़ी सारे डॉक्टर्स को दिखाया है गाइज, लेकिन डॉक्टरों का यही कहना है कि कोई भी डार्क सर्कल क्रीम जो है वो 100% आपके डार्कनेस को ख़त्म नहीं करता है, वर्क कर सकता है लेकिन वो 40-5% ही आपके डार्क सर्कल्स को कम करेगा, बट अगर 40-50% भी डार्क सर्कल्स को कम कर देता है तो बाकी तो मेकअप हमारा जो है वो हाइड कर ही देगा। तो मैं काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जा रही थी एंड ये सब कुछ होता है ज़्यादा जो है स्ट्रेस लेने की वजह से और नींद पूरी ना लेने की वजह से, डिप्रेशन की वजह से। सो हर किसी के लाइफ में बहुत सारी खुद की उनकी प्रॉब्लम होती है, सो मेरे साथ भी वही प्रॉब्लम है गाइज। और मैं जो हूँ ये अभी मैंने लगा लिया है, तो अब मैं आपको इस प्रोडक्ट के बारे में बता देती हूँ कि आपको ये कितने में मिलेगा और कहाँ से बाय करना होगा, इसकी पैकेजिंग वगैरह क्या है और इसके अंदर क्या क्या इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल किया गया है। और उसके बाद मैं जब सेकेंड डे इसको लगाऊंगी मैं उस दिन का भी आपको वीडियो बना, मतलब कि दे दूँ। गाइज, अब मैं बात करने वाली हूँ इस प्रोडक्ट की पैकेजिंग के बारे में। अगर मैं इसकी आउटर पैकेजिंग आपको दिखाऊं तो ये इस तरह के कार्टन के बॉक्स में मुझे रिसीव हुई है, और यहाँ पे सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी कि आपका जो इंटरनल पैकेजिंग है वो आपके आउटर पैकेजिंग से नज़र आ जाता है, जैसा कि आप देख सकते हैं। और यहाँ पर लिखा हुआ है विश केयर कोलेजन बूस्टिंग अंडर आई क्रीम, और इस प्रोडक्ट की जो क्वान्टिटी है वो है 30 ml की।
सो गाइज, अब मैं बात करने वाली हूँ उस प्रोडक्ट के इंग्रेडिएंट्स के बारे में। इंग्रेडिएंट्स की सारी लिस्ट यहाँ पे मेंशन कर दी गई है। जो सबसे पहला इंग्रेडिएंट्स है वो है एक्वा, यानी कि पानी, यानी कि वाटर। उसके बाद इसके अंदर एलोवेरा जूस का इस्तेमाल किया गया है, जो कि हमारे आँखों में नमी प्रदान करने के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होता है। उसके बाद इसके अंदर नियासिनामाइड और हेलोरोनिक एसिड का इस्तेमाल किया गया है, जो कि हमारे आँखों के डिहाइड्रेशन से बचाती है हमारी आँखों को और हमारी आँखों के ड्राइनेस को दूर करता है। उसके बाद इसके अंदर विटामिन सी, लाइकोरिस एक्सट्रैक्ट, गोजबेरी एक्सट्रैक्ट और इसके अंदर रोज हिप ऑयल को डाला गया है, जो कि हमारे आंखों की ड्राइनेस को तो दूर करता ही है, प्लस हमारी जो आंखों की डार्कनेस है उसको भी लाइट करने में काफ़ी ज़्यादा मदद करता है। इसके अंदर स्वीट आलमंड मिल्क, कैफीन, रेटिनॉल, विटामिन ई, पोटासियम सॉर्बेट और सोडियम बेंजोनेट का भी इस्तेमाल किया गया है, जो कि हमें कहीं ना कहीं थोड़ा सा सन प्रोटेक्शन भी देता है। तो ऑल ओवर मैं बोलूँ तो काफ़ी सारे यहाँ पे अच्छे इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल किया गया है इसके अंदर, और ये कहीं ना कहीं हमारे स्किन के लिए, हमारी आँखों के लिए हेल्प करेंगे, डार्कनेस को, पफिनेस को दूर करेंगे। अब अगर मैं इसकी प्राइस के बारे में बात करूँ तो इसकी जो प्राइस है वो है 30 ml की 499, यानी कि 500 rupees। लेकिन ये आपको हमेशा डिस्काउंट में मिलता है, ये 340-350 में ईजिली आपको मिल जाएगा इनके खुद के वेबसाइट पे भी, और आपको अदर वेबसाइट जैसे कि अमेजोन, पर्पल, नाइका और भी सारे वेबसाइट में ये आपको मिल जाएगा। ये 2 साल के एक्सपायरी डेट के साथ आता है, यानी कि आप इसको 2 साल तक यूज़ कर सकते हैं। ये एक पैराबीन फ्री, सल्फेट फ्री और मिनरल ऑयल फ्री प्रोडक्ट है और नो एनिमल टेस्टेड है। ये मेड इन इंडिया की प्रोडक्ट है। यहाँ पर एक चीज़ और मेंशन किया गया है कि देखिए, हर चीज़ हर किसी को सूट नहीं होता है, सो इसको यूज़ करने से पहले जो है आप एक बार पैच टेस्ट ज़रूर कर लें। अगर आपको किसी तरह का इरिटेशन होता है, कुछ भी होता है, तो आप प्लीज़ इसका जो इस्तेमाल है वो तुरंत रोक दें। अब मैं बताने वाली हूँ कि इसको आप कैसे लगा सकते हैं। तो आप इसको डे और नाइट दोनों टाइम में लगा सकते हैं। मैंने डे और नाइट दोनों टाइम इसको लगाया है, और आपको एक पंप या दो पंप की ही ज़रूरत होती है। सर्कुलर मोशन में आपको लगाना है जब तक कि आपका जो प्रोडक्ट है वो पूरी तरीके से कम्प्लीटली ड्राई ना हो जाए। सो अगर मैं इसके इंटरनल पैकेजिंग की बात करूँ तो इस तरह के ग्लास के बॉटल में आता है, जो कि ब्राउन कलर का है, और यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन और डिटेल सेम लिखा हुआ है जो कि इसके आउटर पैकेजिंग में था। इसके साथ एक कैप भी मुझे मिला है, जो कि इसको लगाने के लिए काफ़ी ज़्यादा मदद करता है, बट मुझे वेस्ट ऑफ वो वाला लगता है, ढक्कन से कोई फ़ायदा नहीं होता है। अब ये आपको किस किस चीज़ में हेल्प करेगा, तो सबसे पहले अगर आपकी पफी आइज़ है तो उसको ये कम करेगा। अगर आपके रिंकल्स आ गए हैं, आसपास आपकी आँखों के नीचे रिंकल्स है काफ़ी ज़्यादा, तो उसको ये कम करेगा। और अगर आपको एंटी एजिंग की प्रॉब्लम भी हो रही है तो भी इसको कम करता है। और उसके बाद यहाँ पे ये भी लिखा हुआ है कि ये आपकी जो आईज है डिहाइड्रेशन से बचाता है, आपकी आईज को हाइड्रेट करता है और नरिशमेंट प्रोवाइड करता है। अगर किसी तरह का कोई भी पिगमेंटेशन है, कोई भी डार्कनेस है, तो उसको भी दूर करता है, और ये कोलेजन को बूस्ट करने में काफ़ी ज़्यादा मदद करता है। सो गाइज, अगर फाइनली इस प्रोडक्ट के बारे में मैं बोलूँ तो ये जो प्रोडक्ट है 15 डेज के बाद मुझे उतना ज़्यादा फ़र्क नहीं महसूस हुआ। इस प्रोडक्ट को यूज़ करने के बाद मुझे जो है वो थोड़ा बहुत फेड लग रहा है अपने डार्क सर्कल। अभी मैं ऐसे मेकअप पे हूँ, बट आगे की जितनी भी आपने वीडियोस मेरी देखी, जितनी भी क्लिप्स देखी, मैंने कोई भी मेकअप नहीं किया था। अभी मैंने ये वाला मेकअप क्रिएट किया है, तो इसलिए मैंने सोचा क्यों ना इसका मैं अपडेट भी आपके साथ शेयर कर दूं। तो ये जो प्रोडक्ट है ऐसे मुझे ठीक ठाक लग रहा है। अभी तक बहुत ज़्यादा असर तो मेरे आंखों पे नहीं किया है, थोड़ा बहुत फेड जो है वो करना शुरू कर दिया। तो मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म में कम से कम मुझे 1 month तक इसको रेगुलर यूज़ करना होगा, उसके बाद ही मैं कुछ कह पाऊँगी इस प्रोडक्ट के बारे में। अदरवाइज़ अगर आपको लेना है तो आप डेफिनेटली इसको ले सकते हैं। मैं ये तो नहीं कहती कि ये आपका पूरा डार्क सर्कल ख़त्म कर देगा, बट ये आपके डार्क सर्कल को कम ज़रूर कर देगा, और उसके साथ आपको ढेर सारा पानी पीना पड़ेगा और अच्छी नींद लेनी पड़ेगी, उसके साथ आपको बहुत अच्छी डाइट भी लेनी पड़ेगी और स्ट्रेस वगैरह थोड़ा कम लेना पड़ेगा, तभी आपके डार्क सर्कल कम हो सकते हैं। थोड़ा सा आपको मोबाइल के सामने भी कम रहना पड़ेगा, तभी वो जो है आपके डार्क सर्कल कम होंगे। अदरवाइज इसको लगाने का भी कोई फायदा नहीं है। इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स ज़रूर चेक कर लीजिएगा अगर आपको लेने में इंटरेस्ट है इस प्रोडक्ट को। और ये था आज का मेरा वीडियो। आई होप कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया। अगर आपको पसंद आया तो आपको करना है इस वीडियो को लाइक, मेरे चैनल को सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर। जिन लोगों को भी बहुत ज़्यादा डार्क सर्कल है उनके लिए थोड़ी सी हेल्प हो जाएगी, तो प्लीज़ यहाँ पर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है एंड इट्स मीन अलॉट फॉर मी गाइज, एंड प्लीज़ बी अ पार्ट ऑफ माई फैमिली। चलिए मैं बात नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज, बाय। Do let, do let, do let.